आजादी। ये मारो बैंकों की पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मारो बैंकों की पॉलिसी नहीं चलेगी। कट्टरवादी धर्म में दुनिया में तहलका मचा रखा है। किसी की खुशी इनको बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई चैन से जीना चाहता है उनको ये जीने नहीं देते। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी तो ये मुंबई के मीरा रोड में पत्थरबाजी कर रहे थे, वो भी राम भक्तों के ऊपर। सारे देश विदेश में कट्टरवादी धर्म को कोई पसंद नहीं कर रहा। I proclaim the name of the Lord Jesus Christ over the capital of Texas. I stand against Islam and the false prophet Muhammad. Islam will never dominate the United States, and by the grace of God, it will not dominate Texas. इनका सभी विरोध कर रहे हैं। इस्लाम धर्म के लोग इनकी कट्टरवादी सोच से परेशान होकर इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को, लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं, पानी नहीं पीने देते, उठा के ले जाते हैं। कौन उठा के लेके जाते? मुसलमान। अल्लाह का नाम पढ़ाते हैं। आपको नहीं मन करता था ये सब करने? हमारा भगवान भोलेनाथ, हमारा भगवान भोलेनाथ है। उनका कहना है कि सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है। मौलाना का कहना है इस्लाम के अंत का समय आ गया है। इसी डर के कारण इस्लाम के लोग सारी दुनिया को इस्लामिक बनाना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो। अब इनका टारगेट भारत देश है। ये भारत देश में सनातन को मिटाना चाहते हैं और इसे एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चाइना ने इस्लाम धर्म को मिटाने के लिए सारे मस्जिदों को तोड़ दिया। नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया, दाढ़ी रखने पर जेल में डाल दिया जाता है। इटली ने भी सारे मस्जिदों को तोड़ दिया, नमाज को बैन कर दिया। अगर इटली में नमाज पढ़ना है तो वहाँ की लोकल भाषा में पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये पता चल सके कि नमाज में आप क्या बोल रहे हैं। सारी दुनिया को ये समझ आ गया है कि अगर सारी दुनिया में शांति चाहिए तो दुनिया से इस्लाम को बैन करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है। इजराइल ने इनका नामो निशान मिटा दिया है। और इसी बीच एक खबर अंगोला से आई है। जी हाँ, अंगोला ने इस्लाम को बैन कर दिया है और ये कह दिया है कि सारे मुस्लिम लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाओ, निकल जाओ। गिरा दी सारी मस्जिदें। इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर पाबंदी लगाने वाला अंगोला दुनिया का पहला देश बन गया। अफ्रीकी अखबारों में छपी खबर के मुताबिक अफ्रीकी महाद्वीप के इस तटीय देश अंगोला की कल्चर मिनिस्टर रोजा क्रूज ने कहा कि न्याय और मानव अधिकार मंत्रालय ने इस्लाम को हमारे देश में कानूनी वैधता नहीं दी है। ऐसे में अगले नोटिस तक सभी मस्जिदें बंद रहेंगी। इसके अलावा इस तरह की खबरें भी हैं कि सरकार ने मस्जिदों को गिराए जाने के आदेश भी दे दिए हैं। मंत्री रोसा के मुताबिक ये फैसला देश में पनप रहे कई अवैध धार्मिक मतों को रोकने की कड़ी में लिया गया है। मंत्री ने यह बयान देश की संसद में दिया और कहा कि अंगोला की संस्कृति के खिलाफ जो भी मत है उन्हें रोकने के लिए ये बहुत जरूरी था। इस्लाम के अलावा और भी कई मतों संप्रदायों पर कानूनी रूप से बंदी की तलवार लटक रही है। इस बारे में मंत्री ने कहा कि हमने जिन संप्रदायों की लिस्ट निकाली है उन पर सख्ती की जाएगी। इस फैसले के बारे में अंगोला के प्रेसिडेंट जोस अड्राहो सांतोस ने कहा है कि आखिरकार हमारे देश में इस्लामिक प्रभाव के अंत की आखिरी शुरुआत हो चुकी है। अंगोला में अधिकांश मुसलमान सुन्नी हैं। वे आम तौर पर पश्चिम अफ्रीका और मध्य पूर्व से विदेशी प्रवासी हैं। हालांकि कुछ स्थानीय धर्मांतरित हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। कई इस्लामिक संगठन मौजूद हैं जो मस्जिद, स्कूल और सामुदायिक केंद्र चलाते हैं। अंगोला में इस्लाम के विकास का संघ प्राथमिक धर्म परिवर्तन करने वाला संगठन है।
इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुस्लिम बनाया जाए। मुस्लिम आंदोलन का प्रतिनिधित्व लुआंडा के आंदोलन मुसलमानों की सर्वोच्च परिषद द्वारा किया जाता है। आंदोलन सरकार कानूनी रूप से किसी भी मुस्लिम संगठन को मान्यता नहीं देती। नतीजा देश में मस्जिदों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है और कई को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। अंगोला सरकार ने मुसलमानों के बढ़ते कट्टरवादी सोच को देखते हुए उन पर सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। दोस्तों, सभी देशों को अंगोला देश से सीख लेनी चाहिए। जो भी देश की संस्कृति के विरुद्ध कार्य करेगा उसको बैन किया जाएगा। भारत में भी कुछ लोग भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपने सबने देखा होगा कि कैसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर, रामनवमी पर और भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विधर्मियों ने पेट्रोल बम बरसाए। भारत सरकार से निवेदन ये है कि जो भी लोग भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर कड़े से कड़े सजा का प्रावधान होना चाहिए।